हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत सारी अपडेट्स, तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखना एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको इस चैनल पे डेली वीडियोस देखने को मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं एमजेप के बारे में, जो कि हाल ही में उन्होंने अपना AEW कंपनी में रिटर्न किया है। बता दें कि एमजेप अपने प्रोमो स्किल से, अपने ऑन माइक स्किल से एंड अपने कॉन्ट्रोवर्सियल कमेंट से बहुत ही फेमस हुए हैं। हाल ही में हुए एक शो में MJF ने जॉन मॉक्सले के अगेंस्ट में एक प्रोमो कट किया, जहां पे वो बताते हैं कि कैसे उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतना है एंड उस चैंपियनशिप को उनको रियल रेसलिंग कंपनी में ले जाना है, जहां पे रियल रेसलिंग फैंस होते हैं एंड उनके बेस्ट फ्रेंड अमेरिकन नाइटमेयर जो कि कोडी रोड्स है, उनके साथ उनको ये मोमेंट शेयर करना है। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि उनको रियल रेसलिंग बॉस जो कि द गेम है, उनके साथ काम करना है। नेक्स्ट स्टोरी कवर करते हैं, जहां पे अवर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने अपने लिस्ट में एक और अचीवमेंट ऐड की है, और ये अचीवमेंट ये है कि उनको लास्ट 1000 से भी ज़्यादा डेज हो चुके हैं जहाँ पे उनको अभी तक कोई भी पिन नहीं कर पाया है। तो इस एरा के रोमन रेंस वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार है एंड कह सकते हैं कि एक लेजेंड भी हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक पॉसिबल रूमर के बारे में, जो कि इस साल होने वाले समर स्लैम में एक पॉसिबल मैच हो सकता है, और ये मैच सेथ फ्रिकेंड रॉलिंस एंड जॉनी गार्गानो के बीच में होगा। एंड पॉसिबली इस मैच का बिल्डअप हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा, जहां पे सेथ रॉलिंस एक हिल सुपरस्टार होगे एंड जॉनी गार्गानो एक फेस सुपरस्टार होगे। एंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये मैच समर स्लैम के एक हाईली रेटेड मैच में से एक होगा। नेक्स्ट स्टोरी कवर करते हैं, जहां पे यंग बक्स ने एक इनसाइड रिपोर्ट्स के मुताबिक WWE कंपनी को कॉन्टैक्ट किया है एंड उनको WWE कंपनी में ज्वाइन भी करना है। बट इनसाइड रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि आने वाले 1.5-2 साल के लिए यंग बक्स AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, जिससे वो नई कोई भी कंपनी, नई कोई भी डील साइन नहीं कर सकती। उसके बाद बात करते हैं मैडकैप मॉस की, जहाँ पे एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि उनको रोमन रेंस को नेक्स्ट फेस करना है। उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनको रोमन रेंस को हराना भी है एंड ब्लड लाइन को भी तोड़ना है, लेकिन फैंस ने इस बात को एज अ जोक समझ के इग्नोर कर दिया। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करें, जहां पे WWE कंपनी ने AEW कंपनी के हाल ही में हुए बैकस्टेज प्रॉब्लम पे एक शॉट लेते हुए स्मैकडाउन के शो में एडम कोल ने ये बात बताई कि कैसे WWE कंपनी ने इंटरनली रोंडा रॉसी को पनिशमेंट दी थी, और ये बात उन्होंने बाहर रिवील नहीं की थी, लेकिन एडम पियर्स के पेट में ये बात नहीं रहती है एंड उन्होंने ये बात पब्लिकली रिवील कर दी। तो आज की ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।